बढ़ते हुए क्राइम्स है ना, उसमें सबसे बड़ा क्राइम है साइबर क्राइम, जिसकी मकदार बहुत ज्यादा होगी। जिस तरह हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं और हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी ज्यादा आती जा रही है, उसी तरह हमने इसका मिसयूज करना, गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। वो इस तरह कर दिया है कि आप किसी बंदे की भी तस्वीर उठाते हैं और उसके नाम से प्रोफाइल बना देते हैं, जो कि फेक प्रोफाइल होता है। अब वो प्रोफाइल से उसको क्या होता है, उस प्रोफाइल से उसकी फेक प्रोफाइल बन जाती है, उसकी डिग्निटी वायलेट होती है, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इमेज मुआशरे में ख़राब होती है। ये एक बड़ा संगीन जुर्म है जिसकी सज़ा जो है वो 3 साल कैद है। सेक्शन 16 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम एक्ट 2016 में ये कहा गया है, अनऑथोराइज यूज़ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, कि कोई भी बंदा किसी बंदे की अगर आइडेंटिटी कोई मिस यूज़ करेगा, उसको बनाएगा, फेक अकाउंट प्रोफाइल बनाएगा, तो उसकी सज़ा 3 साल है और साथ इंप्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी है। इसी तरह आगे चलें तो पहले तो बता दूं कि साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम कोई भी ऐसा क्राइम हो सकता है जो आप घर बैठ के कर रहे हैं, किसी कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। अब इसमें स्कैमिंग भी आती है, ऑनलाइन स्कैमिंग होगी, आप ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड भी हो रहा है। फिर आप किसी की जो है ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। अब एक हमें बड़ा इशू आजकल होता है जिसको हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? सेक्शन 24 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम एक्ट सेक्शन 24 पे क्या बात करता है, वो कहता है जी हूएवर विद इंटेंट टू मेक, कहते हैं किसी बंदे की अगर आप कोई तस्वीर बनाते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, एक प्रोफाइल बना दी आपने या किसी भी फेक प्रोफाइल से उसको स्टॉक करते हैं। आप सबसे पहले बात ये सोचें कि हम अमूमन डेली बेसिस पे कई लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भेज देते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अगर वो बंदा आपका रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ कर रहा है, आप फिर भेज रहे हैं, वो फिर रिफ्यूज़ कर रहा है, डिस्पाइट रिफ्यूज़ल अगर आपको आ जाए और आप रिक्वेस्ट बार बार भेजें, तो ये क्राइम में आता है जिसकी सज़ा 3 साल कैद है और उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है, और इसके साथ ये आपकी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इसी तरह अगर आप और लॉज पे देखें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ठीक है, इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन सेक्शन 20 है, कि अगर आप किसी बंदे की जो है वो डिग्निटी ख़राब कर रहे हैं, मॉडेस्टी ख़राब कर रहे हैं, तो उसका जुर्म जो है वो इसी तरह इस लॉ में दिया गया है। इसी तरह साइबर स्कैमिंग की बात है, आजकल स्कैमिंग बहुत ज़्यादा चल रही है कि आप किसी का भी जो है वो OTP कोड लेकर उसका प्रोफाइल बना लेते हैं, अकाउंट हैक कर लेते हैं, फ़ोन पे जो है वो आपको मैसेज करते हैं, या उसको जो है वो आप किसी भी तरह किसी भी स्कैम में फंसाने की कोशिश करते हैं, या आप उसको कोई ऐसी ऑफर देते हैं कि जी आप ये मेरे से लें या फला चीज़ लें, मैसेज करते हैं, जो भी करते हैं, वो साइबर स्कैमिंग में आता है। साइबर स्कैमिंग की सज़ा इस टाइम जो है वो हमारे मुल्क में 3 से 5 साल सज़ा चल रही है, ज़्यादा भी हो रही है, जुर्माना भी है। अब साइबर स्कैमिंग की कैटेगरीज हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, क्या आपने किसी के साथ स्कैमिंग की, उसमें आपने उसको नुकसान कितना पहुंचाया, उसकी पर्सनालिटी को नुकसान पहुंचाया है, आपने उसको नुकसान पहुंचाया, या फाइनेंशियल लॉस हुआ। जहाँ पे फाइनेंशियल लॉस है वहाँ पे मॉनेटरी डैमेजेस आपके आ जाते हैं, वहाँ पे आपसे दावा भी कर सकते हैं, मॉनेटरी डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो अपना जो है वो